किसान वीरों, जब धान की बालियां निकलने के बाद दानों में दूध भरना शुरू होता है तो इसी समय ही कई खेतों में दानों से दूध चूसने वाला कीट भी बहुत नुकसान करता है, जिसे हमारे किसान भाई गंदी कीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कीट को हाथ में पकड़ने पर बहुत बुरी गंध निकलती है और इसलिए इसे गंदी कीट कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिसा क्यूटा। और ये कीट देखने में हरे भूरे रंग का, मच्छर के आकार का, मच्छर से लगभग 10 गुना बड़ा ही होता है। और बात कर लेते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें। तो सबसे पहले हमें अपने खेतों में और खेतों के बाहर सभी तरह की घास को हटा देना चाहिए, मतलब मेड़ों में सारे घास की अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कीट शुरू में घास में ही छुपा रहता है। और जैसे ही मौसम इसके अनुकूल होता है और धान की फसल मिल्की स्टेज में होती है, तो वैसे ही ये फसलों में अटैक करने लग जाता है। मतलब ये अटैक करता है अर्ली मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून में, क्योंकि ये तेज धूप में घास के आसपास छुपा रहता है। और इसके अटैक से दानों पर काले भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और दाने खाली रह जाते हैं। और अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाए तो ये फसल का 30% तक का नुकसान कर सकता है। तो इसलिए इस कीट की समय से ही रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि फेनवालेरेट नाम की डस्ट रूपी दवा आती है, तो इस दवा का छिड़काव करने से इस कीट पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सकता है। और इसके अलावा भी अगर हम ब्राउन प्लांट हॉपर की रोकथाम के लिए रस चूसक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो ये गंदी कीट भी इसी दवाओं से कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि एसीफेट, पाइमेट्रोजाइन, डिनोटीफुरान, इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायमिथॉक्सन। तो इनमें से कोई भी एक दवा का छिड़काव करने से ये गंदी कीट पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और ये हमारा कई सालों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि सकिंग पेस्ट वाली कोई भी दवा इस गंदी कीट पर पूरा काम करती है, चाहे वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हो या फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो। और जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होती है ये इस कीट को तुरंत ही खत्म कर देती है, बाकी जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है ये इस कीट को लंबे समय तक आने देती है। तो किसान वीरों, ये एक छोटा सा वीडियो है कि इस गंदी कीट की रोकथाम कैसे करें। धन्यवाद।